दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, मोदी, टीवी पे ये लोग छाए हुए हैं। अब जैसा कि ये इंटरव्यू छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया 25 फरवरी को, इसमें कुछ सटीक सवाल किए गए हैं जर्नलिस्ट के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। अब जर्नलिस्ट ने पूछा है, योर असेसमेंट ऑफ इलेक्शन सो फार, अखिलेश यादव जी से। अब उनका कहना है, आई विल गार्नर मेजॉरिटी, नाउ आई एम आस्किंग देम टू वोट टू ब्रिंग अस द मेजॉरिटी। अब अखिलेश जी कहते हैं कि अभी तक मैं करता हूँ उनसे, अपने पब्लिक के लोगों से, कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि मेजॉरिटी मिलेगी, और अब तो मैं सिर्फ वोट नहीं मांगता, अब तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे मेजॉरिटी दिलवाइए। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि हम लोग इतना टीवी देखते हैं, अब चाहे मायावती हो, मोदी जी हो, यादव भाई साहब हमारे, अखिलेश जी, आज तक किसी ने बोला है कि हम इस बार जीतेंगे तो सही, बट मेजॉरिटी थोड़ी चैलेंज लग रही है, थोड़ी मुश्किल लग रही है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला। बहन जी भी बोलती मेजॉरिटी में आएंगी, फिर अखिलेश भी बोलते मेजॉरिटी में आएंगे, मोदी जी भी बोलते मेजॉरिटी में आएंगे। तो भैया, जीते का कौन, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, लेट इट बी, ओके। और एक अच्छा और सवाल जो इसमें पूछा गया है वो ये, हाँ, ऑन गेटिंग द मैसेज अक्रॉस बीजेपी टॉक्ड ऑफ कब्रिस्तान, शमशान, रेफर टू टेररिस्ट। अब इन्होंने बहुत सारी बातें की, अब यूपी में ना गंद ज़्यादा घुल गया। अच्छा, एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी वो ये है, अब लैपटॉप, अब भले मैं दिल्ली में रहता हूँ बट यूपी से मेरा काफ़ी पुराना वास्ता है। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे। अब हम ये भी जानते हैं कि तमिलनाडु में अम्मा प्रेस बांट रही है किसी को, किसी को टीवी दे रही है, किसी को मंगलसूत्र। अब ये चलन कोई नई बात नहीं है, हमेशा पार्टियां अपने वर्कर्स को खुश रखती हैं। अब आजकल किसके पास इतना टाइम है किसी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेगा। आप शर्त लगा लें कि अगर 100 लोग किसी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हैं, उसमें से 70-80 लोग वो लोग होते हैं जो या तो डायरेक्टली पैसे लेते हैं पार्टी से, या जिनको कुछ ना कुछ पार्टी ने फ़ायदा पहुंचाया होता है, किसी को लाइसेंस दिलवा दिया, किसी को बस का परमिट दिलवा दिया। अब लैपटॉप किन लोगों को मिले? अब सर जी, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने अपने कई बहुत सारे जो जूनियर लेवल पे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उन लोगों को देखा, लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप के पिछले हिस्से में अखिलेश एंड मुलायम लोगों की फ़ोटोग्राफ है समाजवादी पार्टी की। अब जिस वार्ड बॉय के पास लैपटॉप है उसको वो लैपटॉप बेचारे को चलाना तक नहीं आता। अब उसके पास पेन ड्राइव भी नहीं है और कोई डोंगल भी नहीं है जिससे वो कनेक्शन चलाए और लैपटॉप देखे, बस हाथ में है, उसी से कुछ होता है। फिर किसी ने बहुत सिखाया है तो 2-3 महीने में उसने थोड़ा म्यूज़िक और MP3 सॉन्ग्स डाल लिए। लैपटॉप तो ढंग के बंदे को दे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। एक ही एक सवाल है, अब दलनी से पूछा, यूट्यू स्पोक अबाउट डंकीज, अब गधा 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 बहुत हो रहा है यूपी में, इस विषय पे बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अब सर, मैं कोई, अब क्योंकि इंटरव्यू अखिलेश जी का है तो इसलिए मैं मोदी जी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी 100% सही है, कोई भी इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, बट एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जब हम
सामाजिक जीवन में होते हैं और वो भी इतने उच्च पद पे काम करते हैं तो सोच के बोलना चाहिए। ऐसी भाषा शोभा नहीं देता। हमने अखिलेश जी को देखा है, वैसे बड़ी कोशिश करते हैं बैलेंस बोलने की, बट गधा गधा, डजंट लुक नाइस। अब मैंने हाल ही में अमर सिंह जी का इंटरव्यू देखा तो पता चला कि भाई साहब हमारे अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ पढ़े, और अमर चाचा ने इनको बड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड की, बर्तन वर्तन ले दिया ऑस्ट्रेलिया में, रूम दिलवा दिया, कॉलेज में एडमिशन चला। एनीवे, बट कहने का सवाल ये है कि भाई तुम इतने अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ के आए हो अखिलेश जी, अच्छी कंट्री में रह के आए हो, थोड़ा श्रंथल बना के रखो, कुर्सी की गरिमा बना के रखो। अब 5 साल तो चीफ मिनिस्टर पे एंजॉय कर लिया ना, अब भविष्य में दोबारा कुर्सी मिलने की चाह सबको होती है, आपको भी होगी, कोई गलत बात नहीं है। बट द पॉइंट इज ए पर्सन लाइक यू एट सच ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन शुड एक्ट इन ए बैलेंस वे, दैट्स द पॉइंट। अब ये मत कहना कि मोदी जी ऐसा बोलते तो मैंने ऐसा बोल दिया। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, अब आपने रामचरितमानस पढ़ी हो ना पढ़ी हो पता नहीं, गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, नहीं मुझे पता नहीं आपके बारे में, बट इतना हम सभी भारतीय जानते हैं, कबीर के दोहे बड़े मशहूर हैं, वो शायद जरूर आपने पढ़े होंगे। अब चंदन पे अजगर लिपटा रहता है बट चंदन अपनी खुशबू नहीं खोता, शायद ये वाला कबीर दास का दोहा आपने जरूर पढ़ा होगा, ये तो भैया आपके पापा तो टीचर रहे हैं, साइकिल पे घूमते रहे हैं, पापा ने सिखाया नहीं आपको क्या? बट पॉइंट इज मोदी जी को बोलने तो सर आप तो मत बोलो, वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ अखिलेश यादव। ओके, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। यू हैव सेड टाइम एंड सर्कमस्टांसिस नेसेसिटेटेड एसपीज अलायंस विद द कांग्रेस। अब ये भी मजे वाली बात है, अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी हाथ क्यों मिलाया? अब ये दोनों कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, हमने YouTube में देखा होगा और भी कई जगह देखा होगा, आपको लगता है ठीक है यार दोनों जवान हैं, मान लिया जवान भी गए हैं यार, 40 दोनों 40-50 साल के बीच में हैं, अधेड़ उम्र के हैं, जवान है कोई, जवान थोड़ी ना, दोनों की केमिस्ट्री नहीं जमती। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी के बगल में कोई बंदा बैठा है कुछ कहना चाह रहा है, अखिलेश यादव जी ने अपना फटाफट हाथ रख दिया, उनके हाथ के ऊपर हाथ रख दिया, कहते हैं बोलने दे पप्पू का यार, अच्छा है अपनी चॉप करा रहा है। अब अखिलेश यादव जी मन ही मन खुश हो रहे हैं कि अच्छा है पप्पू अपनी चॉपसी करा रहा है, उन्होंने बगल वाले बंदे को रोक लिया, हाथ के ऊपर हाथ दबा दिया। अब इतना तो वीडियो में नजर आता है भैया। अब दूसरी बात ये भी है, अब हम जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दोनों को मुस्लिम वोट प्यारे हैं, ध्यान दीजिए मुस्लिम वोट प्यारे हैं, मुस्लिम प्यारे नहीं हैं। प्लीज़ दोज मुस्लिम्स ब्रदर्स वर लिसनिंग टू दिस वीडियो, प्लीज़ रिमेंबर कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई मुस्लिम्स के सगे नहीं हैं, चोर चोर मुसहरे भाई। अब पप्पू को कांग्रेस चलानी है, चप्पू को, चप्पू होता है ना, चप्पू बोर्ड चलाते हैं, चप्पू होता है, चप्पू को लखनऊ चलाना है, दोनों हो गए भाई भाई, चोर चोर मसेरे भाई। अब चले आगे चलिए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन, बट मुलायम सिंह क्वेश्चन द मूव। अब अखिलेश जी बोलते हैं इट इज नेचुरल फॉर द पार्टी टू क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी नहीं है। अब ज़्यादातर पार्टीज़ में इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे सबसे पहली और मजबूत और पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस, अब कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन जाए बट रूल कौन करेगा? गांधी फैमिली, सबको पता है, मैं कोई अनोखी बात नहीं बोल रहा। इसी तरह समाजवादी पार्टी जीत जाए रूल कौन करेगा? मुलायम सिंह का परिवार,
और भी बतरी पार्टीज हमारे देश में, बीजू पटनायक, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारे। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, एंड दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का गुणगान नहीं कर रहा, बचपन से उनको वोट करता आया हूँ, अब नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादातर झाड़ू को देता हूँ। बट कुछ बातें बीजेपी की अच्छी हैं, कायम हैं, अभी भी अच्छी हैं। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी को पूछा ही नहीं गया, अपने आप फैसला ले लिया। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, बट व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट यू मेंशनड। अब क्या सर्कमस्टांसेस है जो आपने ऐसा फैसला लिया? जर्नलिस्ट ने अखिलेश यादव से पूछा। वी विल डिस्कस दिस आफ्टर द रिजल्ट्स। भैया कहने का मतलब है, कह रहे हैं, अब जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, क्या ऐसे वातावरण था, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या ऐसी मुसीबत आ गई जो आपने कांग्रेस हाथ में ला लिया? और अखिलेश जी बोलते हैं, जी हम इसको रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद डिस्कस करेंगे। सब जो भी कुछ किया गया है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म प्लान है, कोई बहुत दूरदर्शिता नहीं रखी गई है इस डिसीजन में। उनका मकसद ये था कि इस बार 2017 में इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में, इसमें समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बन जाए। बस इतना दूरी तक सोचा समझा गया। अब एक क्वेश्चन 2019 को लेके किया गया। अब 2019 के बारे में पूछा गया तो अखिलेश जी बोलते हैं, भाई 2019 तक की वेट करने की क्या जरूरत है, अभी से पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मोदी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मन ही मन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के मन में है कि मैं दिल्ली तक कैसे पहुँचूँ। कुछ ही बोलते रहे बट मन में कसक तो है। आइए अब अगला। यू एंड राहुल गांधी आर यंग पीपल, यू नो एंड पीपल नो यू अक्रॉस इंडिया, डू यू सी दिस अलायंस बियॉन्ड 2017 टू 2019 एंड इवन बियॉन्ड 24। ज़्यादा बात कर दी यार, 2024 की बातें क्या कर दी यार। चल यार कोई बात नहीं, वंस दिस इलेक्शन इज ओवर वी विल डिसाइड what we can do in the future, how we can take this forward। सब कुछ election, election पर, मतलब देखिए election word कितनी बार repeat हुआ है, election result। तो सारी जो strategy है, planning है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, वो सिर्फ इस election तक ही अटकी हुई है। उसके बाद इसका मतलब जीतेंगे तो बदलाव आएगा, और नहीं जीते तो बहुत ही भयंकर बदलाव आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि भले ही बीजेपी यूपी में ना आए, बट बीजेपी का बाल का बक्का नहीं होने वाला, ये हम समझते हैं। बीजेपी सर्वाइव करेगी, फिर दोबारा ट्राई करेगी। बट अगर इस बार समाजवादी पार्टी हार गई तो इसका जो परिणाम है बहुत ही भयंकर होगा। अब कांग्रेस तो डूबता जहाज है, देखते हैं, और वैसे डूबता जहाज है और इससे पहले बुझता दिया था, अब दिया लो मारता है। अब दिया ने एनडीए यूपीए पार्ट वन यूपी पार्ट टू में लो मार ली, बुझते बुझते फिर जल गया, बुझते बुझते फिर जल गया। अब इसके बाद कांग्रेस तो भुजी भुजी है, जहाज डूब गया, और समाजवादी पार्टी इसका भी समय लोग गाड़ी पटरी से उतर गई। अब वैसे भी यूपी में बहुत सारी गाड़ियाँ पटरी से उतर चुकी है, इनकी भी उतरने वाली है। अच्छा, डू यू सी योरसेल्फ प्लेइंग ए बिग रोल इन दिल्ली सून? नो वन हु डज गोज टू दिल्ली स्टेज इन पावर फॉर टू लॉन्ग, दैट्स फॉर श्योर। अब अखिलेश जी बोलते हैं, भी दिल्ली में जो रहता है ना वो ज़्यादा दिन पावर भी नहीं रहता है। भाई इस मामले में दाद देनी पड़ी कि अखिलेश जी सोचते बड़ा दूर की हैं। वो कहते हैं यार यूपी की चीफ मिनिस्टर की सीट बनी रहो, दिल्ली में क्या करना है जाके, दिल्ली नोएडा अपनी ही है, नोएडा दिल्ली है।
और वैसे भी जवान है यार, अभी 50 साल है, लॉन्ग टर्म सोचेंगे। जो भी भगवान ने उम्र दी है, चीफ मिनिस्टर बसु 21-25 साल राज किया था, ये भी ऐसी ज्योति बसु की तरह सोचते हैं कि यूपी को राज कर लेंगे। बट सर ऐसा होने वाला नहीं है, लिख के ले लीजिए। हमारा भी कॉन्फिडेंस जान के देखिए, हम भी आधे दिल्ली वाले हैं, आधे यूपी वाले हैं। हैव यू एवर रिक्वेस्टेड प्रियंका टू ज्वाइन रोड शो विद यू एंड राहुल? देयर विश, उनकी मर्जी भी है, प्रियंका गांधी अपनी मर्जी है। अब एक्चुअली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले हैं आपस में हाथ तो मिला लिया है, बट सब जानते हैं इनकी जो दोस्ती है वो सर क्षणभंगुर है। अब थोड़ी सी इच्छा मैं भी बोल लेता हूँ यार, इनकी दोस्ती क्षणभंगुर है, बस इलेक्शन तक। रिजल्ट आने तो इलेक्शन इलेक्शन, अब इनकी इंटरव्यू में देखिए, इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट, सब कुछ यहीं चुका हुआ है। अच्छा, यू स्पोक ऑफ पीपल कॉन्स्पायरिंग टू क्रिएट ए रिफ्ट बिटवीन यू एंड योर फादर, स्प्लिट SP। अब जवाब में आया, इट वॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक किसी, अब इसमें कोई दो राय रह गई यार। अब बाप बेटे में नहीं बनती, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरे घर में भी नहीं बनती। महाभारत की गीता जो कि उसमें भी नहीं बनी थी। अगर दशरथ ने अपना पांडवा जो गीता लिखी गई महाभारत में, अब बाप को अपने 5 बेटे इतने प्यारे होते तो ऐसा होना देते? चल छोड़िए, बड़ी पुरानी इतिहास है, कोई नई बात नहीं। शर्माने वाली क्या बात है, बाप से नहीं बनती तो नहीं बनती, डरने वाली क्या बात है? बीवी से जरूर बना के रखनी चाहिए। आजकल जैसे अमेरिका में है ना, ओबामा और उसकी बीवी की आपस में, मिशेल की बने ना बने, बट हाथ पैर हाथ जरूर डाल के चलते हैं। ओबामा को भरे सभा बोलना पड़ता है, मिशेल यू डिड दिस थिंग फॉर मी, यू डिड दिस फॉर मी, यू डिड दिस फॉर मी एंड माई चिल्ड्रन, ऐसे अखिलेश को ही बोलना पड़ेगा। अब अभी हिंदुस्तान में इतना ओपननेस तो नहीं आई अभी कि भैया बीवी तूने मेरे लिए ऐसा किया। बाप से बने ना बने, बेटा बीवी से बटा के रखना। बीवी मंच पे आके 2 शब्द बोल देगी ना, वोट मिल जाएंगे। बाप ने अगर 2 के 20 शब्द भी बोले ना, तब भी वोट नहीं मिलने वाले। हाउ ऑफन डू यू सीक नेताजी एडवाइस? आई एम नॉट मेट हिम। एडवाइस लेने की जरूरत क्या है, मिलता ही नहीं हूँ, एडवाइस क्या लेनी है। छोड़ो यार, बाप बेटे की बात छोड़ो। विल यू सीक दिस ब्लेसिंग्स ऑन मार्च 11? मार्च 11 इज अ रिजल्ट डे। अब देखो जी, पहला सेंटेंस, आई एम सर्टनली विन। देखो 11 मार्च को रिजल्ट डे है, मैं जीतूंगा। आई विल सीक हिज ब्लेसिंग वेदर वी डू और नॉट। कहते हैं ना, जो मुख से पहली वाणी निकलती है, शब्द निकलते हैं, वही सच्चे होते हैं। उनका पहला सेंटेंस क्या है, मार्च 11 को रिजल्ट डे है, होना क्या चाहिए था? अब क्वेश्चन अगर जल्दी से पूछा है, विल यू सीक हिज ब्लेसिंग्स ऑन मार्च 11, सीधा बोलता हाँ, मैं पिताजी की आशीर्वाद अभी भी है, आगे भी लूँगा। अब ये बोलने की जरूरत क्या है अभी पहले कि मार्च 11 का रिजल्ट डे है और हम जीतेंगे, और नहीं भी जीते या जीते नहीं जीते आशीर्वाद तो ले लूँगा यार, बाप है देगा ही आशीर्वाद मजबूरी में। डिम्पल एंड यू हैव क्वेश्चन्ड अगेंस्ट द एंटी रोमियो स्क्वाड्स BJP's मैनिफेस्टो मेंशन। अब बजरंग दल हिंदू वाहिनी वैलेंटाइन डे मनाए ना मनाए, अब अशल कैशी कहते हैं कि भाई वैलेंटाइन डे मनाना अपनी पर्सनल बात है। ठीक है सर, मानता हूँ, मैं भी कोई कट्टर BJP वाला नहीं हूँ, हिंदू ज़रूर हूँ, आप भी हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं, बट मैं कट्टर नहीं, ओपन सोच रखने वाले में से, दिल्ली वाले ओपन सोचते हैं। वैलेंटाइन डे सर्टनली पर्सनल किसी का डिसीजन है, मनाए ना मनाए उनकी श्रद्धा अपनी मर्जी। बट बात सिर्फ वैलेंटाइन डे पे नहीं ख़त्म होती सर, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है, इतने रेप हैं, गैंग रेप। अब दिल्ली से आगरा JP Express पे आप जाके दिखा दो, इतना डर लगता है, डर कार चलाने में नहीं लगता, स्पीड से नहीं लगता, फाइटर प्लेन भी उतर जाते हैं वहाँ पर, डर लॉ एंड ऑर्डर से लगता है। कोई भरोसा नहीं है, कब आपका कोई रॉड फेंक दे, कार का शीशा टूट जाए, आपकी बहन से बीवी से माँ से कोई बदतमीजी करे, गहने लूट के ले जाए। अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, अगर आप अक्सर अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ महीने पहले किसी के जेवर लूट गए। अब
रेप भी बहुत हुए हैं। हाईवे पे लेडी जा रही है, अब बेचारी लेडी जा रही है कार पे, उसको ही रोक लिया, रेप, बेटी का रेप, उसकी बेटी का रेप, बाय गॉड। भैया ये कौन है जो रेप करते हैं दिल्ली यूपी में? एक चीफ मिनिस्टर के होते रेप हो रहे हैं, इंक्वायरी होती नहीं है। रेप तो सर सब जगह होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, बट यहाँ पर कौन रेप करते हैं? पॉलिटिकल वर्कर्स, उनकी शरण कौन करते हैं? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन किसके? ये इन्वेस्टिगेट करो सर, अगर आपके हैं तो भी सजा दिलाओ, और आपके नहीं है दूसरों के तब भी सजा दिलाओ। राम राज्य, अब हिंदू तो सर आप भी हैं, अब राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं, बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट हैं, या फॉर राम टेम्पल हैं। पॉइंट इज नॉट दैट, आई एम नॉट ए बीजेपी वाला, बट द पॉइंट इज राम राज्य जब हम हिंदुस्तान में बोलते हैं उसका मतलब वो प्रजा, वो राज्य, वो गवर्नेंस जिसमें एक राजा अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट ऐसा है, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जो सारी प्रजा को एक समान ट्रीट करता है। रिलीजन और कास्टिज्म छोड़ दो सर, लेट बी इट, एक्ट लाइक ए ट्रू किंग। सो फार यू आर नॉट एक्टिंग लाइक ए ट्रू किंग, सॉरी टू से।